गाँवों का जोर ज्यादा, किसान बहुत परेशान है, फसल को नष्ट कर रहे हैं और साहब यहाँ पे और किसान झाड़े भी मर रहे हैं, उसको कहीं कहीं झगड़ा भी हो जाता है, बहुत परेशान, काफी फसल नष्ट कर दिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार? ये कहना चाहता है कि सरकार से हमारे हार्दिक निवेदन है कि हमारा इन गाँवों का गौशाला में भेज दिया जाए। क्या नाम है आपका? राजपाल शर्मा, निवासी पचहरा। परेशान है, रात को सो नहीं पाता है, अच्छी तरह से कोई भी फसल भी नहीं ले पाता है। और वादे किए थे सरकार ने, योगी जी ने, कि मैं गौशाला बनवाऊंगा हर क्षेत्र में, हर तहसील में दो चार गौशालाएं तैयार करवाऊंगा। कोई गौशाला तैयार ही नहीं हुई आज तक। और इस तरीके से ये समझिए कि किसान एक तरह से इतना परेशान हो चुका है कि फसल तो ये नष्ट समझिए आप, और इधर कर्जा कैसे दे पाएगा जब फसल नहीं होगी उस पर, और उसका कर्जा कैसे दे पाएगा। और इधर बिजार और गायों से निजात नहीं मिल पाती, जंगली सुअर भी हैं, कई तरीके की ऐसी परेशानियां हैं किसान से, जो किसान अब इस समय खेतों पर गुजार रहा है अपनी रातें। ठंडा मौसम है, ठंड के मौसम में बहुत से किसान तो बीमार भी पड़े हैं अपने अपने घर पर। तो इसीलिए सरकार से असंतुष्टि प्राप्त हुई, संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश, गोरई से। कुछ दिनों से प्रयास शुरू किया है, हमारे जिले में करीब 12-13 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं जिनको शासन से अनुदान मिल रहा है और उनके द्वारा भी पशुओं की और गोवंश की देखभाल की जा रही है। इसी क्रम में हमने गवाना तहसील में जो सरकारी गौशाला बन रही है हमारी, उसके लिए 1,20,00,000 रुपए शासन से आया हुआ है जो निर्माणाधीन है। इसमें अगले एक महीने में हम काम पूरा कर लेंगे, इसमें 2,000 गायों के रहने की व्यवस्था, जानवरों के रहने की व्यवस्था है। इसी क्रम में हमने एक MOU भी तैयार किया है, 59 हेक्टेयर जमीन हमने तहसील गवाना में एक चैरिटेबल संस्था को ग्राम सभा के माध्यम से उपलब्ध कराई है। इसमें 10,000 पशुओं के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, जो पशु अभ्यारण्य बना रहे हैं। इसी प्रकार से कल हमने बैठक की है जिसमें हमने सारे SDMs को ये कहा है कि जो 15 ब्लॉकों में हम बना रहे हैं गोसेवा, जो चरागाह की ज़मीन पर मनरेगा से हम विकसित कर रहे हैं, उसको अगले एक सप्ताह में हम बना लें और जो रजिस्टर्ड गो सेवा समितियां हैं उनको हम प्रबंधन के लिए उसको हैंड सौंप देंगे। इसी क्रम में हमने ये भी निर्णय लिया है कि जिन गांव में चरागाह की ज़मीन है उन गांवों में प्रधानों को के माध्यम से उस पर पशु सेवा केंद्र बनाया जाए, जिसमें मनरेगा के माध्यम से खाई और ट्रेंच की व्यवस्था करी जाए और उसमें उनको खाने के लिए चरनी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और अस्थाई शेड, ये 14वें और राज्य वित्त की धनराशि से बनाया जाए। तो ये मैंने प्रत्येक गांव स्तर पर कहा है कि ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होगी, जिसमें लेखपाल और पंचायत सेक्रेटरी भी होंगे साथ में, कि वो अपने गांव के आवारा पशुओं के लिए कम से कम जो चरागाह की भूमि उपलब्ध है उसमें अस्थायी रूप से व्यवस्था करें। क्योंकि ये समस्या काफी बड़ी है और ये शिकायतें आ रही हैं कई जगहों पर कि गाँव के लोगों ने जानवरों को इकट्ठा करके कहीं स्कूल में बंद कर रहे हैं, कहीं अस्पताल में बंद कर रहे हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है,
मैंने कल SDM को निर्देशित किया है कि आप हर गांव के प्रधानों की बैठक बुलाइए, जहां भी हमारे पास चरागाह की जमीन है, और ग्राम प्रधान की बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, क्योंकि 14वें वित्त की धनराशि उसके पास है, राज्य वित्त की धनराशि उसके पास है, मनरेगा में भी ग्राम सभा को ही प्रस्ताव करना होता, तो तीनों से डपटेल करके एक छोटी छोटी मिनी पशु सेवा केंद्र वहाँ गाँव में विकसित कराया जाए। गोरई स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पशु, हाँ, इस तरह की एक गलत परंपरा पड़ रही है। अभी मैंने SDM से बोला है कि आप जाके बात करिए उन लोगों से, और क्योंकि ये जो जितने भी पशु हैं ये सब गांव वालों के ही हैं, और गांव वाले ही उनको छोड़ करके बाहर कर रहे हैं, और वही वो कर रहे हैं। आज जो हम इगलास से कल जो पकड़े गए थे उनको आज हम जट्टारी वाली जो गौशाला उसमें भेज रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, तो ये इस तरह से एक ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन शीघ्र ही